नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं DSSSB की लेटेस्ट अपडेट के साथ। अभी अभी चार नए नोटिस जारी किए गए हैं DSSSB की तरफ से। तो एक तो एक रिजल्ट नोटिस में गलती हो गई थी, आपने भी ध्यान किया होगा। TJT इंग्लिश का जो रिजल्ट आया था उसमें चार जो रोल नंबर थे वो रिपीट हो गए थे, और उसी रिजल्ट में कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर शामिल होने थे वो नहीं हुए थे। तो वो सारी गलतियां ठीक कर दी गई हैं, DSSSB की तरफ से नया नोटिस जारी कर दिया गया है। एक तो वो देख लेते हैं, और उसी के साथ साथ काफी सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर आए हैं जिनका में सिलेक्शंस नहीं हो पाया, जिनका रिजेक्ट कर दिया गया कैंडिडेट, तो रीजन दे दिया गया है, तो वो भी देख लेते हैं। इतने सारे कैंडिडेट्स का आखिर क्यों कैंडिडेट रिजेक्ट किया गया है DSSSB की तरफ से, और इनके अलावा एक कोरिजेंडम और जारी किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल चारों नोटिस विस्तार से हम देख लेते हैं जो DSSSB की तरफ से अभी अभी जारी किए गए हैं। तो ये देखिए, ये सबसे पहले जो गलती हो गई थी DSSSB की तरफ से, मिसप्रिंट हो गए थे TJT इंग्लिश मेल का जो रिजल्ट जारी किया गया था 131/17 पोस्ट कोड का, तो उसमें काफी सारी गलतियां हो गई थी रिजल्ट नोटिस 429 में। तो ये देखिए, ये पहले इस तरह से ये रोल नंबर जारी किए गए थे, ये तो पहले जो प्रिंट हो गए थे रिजल्ट नोटिस नंबर 429 में 30/4/2019 को जो जारी किया गया था, और अब ये जो करेक्ट रोल नंबर दे दिए गए हैं, ये देखिए इसमें 41, ये पांच रोल नंबर है, 41 से लेके और 45 तक, यही देखिए 105, 596, 896, 955 और 468, ये रिपीट हो गए थे ये रोल नंबर, ये गलती हो गई थी इसमें, तो अब इसको सही कर दिया गया है। ये रिपीट जो हो गए थे इनको हटा दिया गया है, तो इनकी जगह है जो लास्ट में कुछ कैंडिडेट्स बच गए थे तो उनका इसमें हो गया है अब सिलेक्शन। देखिए 448/17, तो 448/17, तो इसके बाद ये पांच कैंडिडेट्स और हैं जिनके रोल नंबर ही नहीं आ पाए थे, तो देखिए काफी परेशान होंगे। तो अभी बड़ी खुशी की बात है इन कैंडिडेट्स के लिए, इनका भी सिलेक्शन इसमें हो गया है। और इसी के साथ साथ गलती हो गई थी SC कैटेगरी में भी, यहाँ भी कुछ गलत प्रिंट हो गया था, सीरियल नंबर 9, सीरियल नंबर 21 और सीरियल नंबर 33, तो यहाँ कुछ मिस प्रिंट हो गई थी। तो ये देखिए, ये तीन कैंडिडेट और हैं जिनका इसमें हो गया है सिलेक्शन, तो इनको भी मुबारक हो। तो ये भी देख ले अपना रिजल्ट 7/5/2019, बिल्कुल अभी अभी ये जारी किया गया है। और इस वीडियो को और इस नोटिस को शेयर जरूर कर दें उन कैंडिडेट्स के पास जिन्होंने ये एग्जाम दिया था और जो वेट कर रहे थे इसके रिजल्ट की, ताकि वो भी देख ले, हो सकता है उनका ही इसमें अब ये रोल नंबर आ गया हो। अब चलते हैं अगले, ये रिजेक्शन नोटिस जारी किया गया है, इसी से है TJT इंग्लिश मेल, पोस्ट कोड 131/17 से ही जुड़ा हुआ है रिजेक्शन नोटिस नंबर 431। तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 43 कैंडिडेट है जिनका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया है। तो रीजन देखिए, सीटेट क्वालिफाइड ऑन 4/1/2019, जो उसके बाद सीटेट हुआ था वो क्वालिफाई किया गया है कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कि कट ऑफ डेट के बाद का है, क्योंकि जिस समय ये वैकेंसी निकली थी तो उस समय बोला गया था कि जिसका सीटेट क्वालिफाई हो वही अपेयर करें। तो कुछ कैंडिडेट्स कोर्ट में चले गए थे, तो कोर्ट ने उन कैंडिडेट्स को छूट दे दी थी, कि किसी कैंडिडेट को छूट नहीं दी गई थी उस समय। तो ये देखिए, सीटेट क्वालिफाइड ऑन 4/1/2019, तो ये कट ऑफ डेट के बाद का सीटेट क्वालिफाइड है, तो इनका नहीं माना जाएगा। इसी तरह से 87, 89 मार्क्स के साथ, जो कि OBC या SC/ST कैटेगरी का होता है, सीटेट क्वालिफाइड माना जाता है इन मार्क्स के साथ, तो ये वो है, जनरल वाला नहीं है, तो इसलिए इनका रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह और भी कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट कट ऑफ डेट के बाद क्वालिफाई हुआ है। तो ये है दोस्तों रीजन दे दिए गए हैं क्यों इनका रिजेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरे 43 कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी से 14 कैंडिडेट हैं जिनका रिजेक्ट किया गया है, SC कैटेगरी से 6 कैंडिडेट का रिजेक्ट हुआ है, ST कैटेगरी से 7 कैंडिडेट का रिजेक्ट किया गया है। तो ये रिजेक्शन नोटिस है, यहाँ रीजन दे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं क्यों आखिर इनका कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ है। तो एक रिजेक्शन नोटिस और है इसी पोस्ट कोड 131/17 से ही जुड़ा हुआ, रिजेक्शन नोटिस नंबर 432। तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 48 कैंडिडेट हैं, यहाँ ये देखिए रोल नंबर दे दिया गया है सभी कैंडिडेट्स का। फिजिकली हैंडीकैप्ड VH कैटेगरी से 1 कैंडिडेट है, OBC कैटेगरी से 2, SC कैटेगरी से 34 कैंडिडेट है और ST कैटेगरी से 7 कैंडिडेट है जिनका इसमें रोल नंबर है। इन कैंडिडेट्स ने तो अपना e-dossier ही अपलोड नहीं किया, इसका मतलब इन्हें ये जॉब चाहिए ही नहीं थी e-dossier अपलोड न करने का, तो यही एक सीधा सीधा रीजन हुआ। तो ये देखिए, ये काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो दिए गए समय में e-dossier ही अपना अपलोड नहीं कर पाए, जो कि था 4/2/2019 से और 13/2/2019 के बीच का समय था। तो ठीक है दोस्तों, और एक कोरिजोंडम और है, ये भी आप देख लीजिए, कोरिजोंडम नंबर 780 है, डेट आज ही की डेट में जारी किया गया है, जुड़ा हुआ है असिस्टेंट प्रिटेंडेंट इन दिल्ली प्रिजन्स डिपार्टमेंट पोस्ट कोड 84/17 से। तो यहाँ एक ये रोल नंबर गलत प्रिंट हो गया था, तो इसकी जगह ये रोल नंबर है, तो द रोल नंबर दिस शैल बी रीड एज दिस, तो आप इसको ये पढ़ सकते हैं, और बाकी सभी बिल्कुल सेम है जो पहले नोटिस में जारी किया गया था।
ठीक है दोस्तों, यही एक चार नए नोटिस जारी किए गए हैं DSSB की तरफ से, तो आपके साथ शेयर किए हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी कोई और भी अपडेट आएगी DSSB की तरफ से निकल के तो वो भी आपको मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से, उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।